इसके बाद बात आती है रदरफोर्ड की भाई रदरफोर्ड फोर्ड आया लंदन से अपनी पढ़ाई करके पूरी और उसका छोटा भाई भी लंदन में ही पढ़ रहा था ठीक है उसका छोटा भाई भी लंदन में ही पढ़ रहा था जिसका नाम था गोल्ड स्टिन जिसका नाम था गोल्ड स्टिन अब वो आया भाई लंदन से आया पढ़ाई वढ़ाई करके कि वहाँ से डिग्रियाँ मिली कि आप वैज्ञानिक हो अभी आप खोजिए अभी आप तोड़ कीजिए ठीक है आपको फुल वो है छूट है आप कुछ भी कर सकते किसी के भी साथ भी तोड़ कर सकते हैं तो उसको भेजा गया कि आप वैज्ञानिक बन चुके हैं अभी वो वहां से आया उसने क्या किया कि एक सोने की पन्नी जो सोने की पन्नी आती है ना सोने की पन्नी उसने ली और सोने की पन्नी को साथियों इस प्रकार से सामने रख दिया सोने की पन्नी को इस प्रकार से सामने रख दिया और साथियों उसने क्या किया अल्फा प्रकिरण किया ठीक है अल्फा प्रकिरण साथियों अल्फा प्रकिरण में क्या किया उसने यहां से क्या किया इसने गामा किरणें भेजी ठीक है गामा किरणें क्या भेजी भाई गामा किरणें भेजी गामा किरणें इसने यहां से आगे गामा किरणें भेजी साथियों जब इसने गामा किरणें भेजी तो सैकड़ों गामा किरणें इसने भेजी तो यहां पर क्या है कि यहां से ये यह गामा किरणें साइड में होती चली गई ठीक है मतलब इस बिंदु को किसी ने भी पास नहीं किया इस बिंदु से कोई भी आगे नहीं की उसने कहा है कि यहां पर कोई तो है कि जो गामा किरणे को आगे नहीं जाने दे रहा है खुद के अंदर से गुजरने नहीं दे रहा है साथ परमाणु का अधिकतर भाग खोखला है परमाणु का अधिकतर वाक खोखला है लेकिन यहां पर ऐसा क्या ठोस है कि गामा किरणें आगे नहीं जा पा रही उसका दिमाग फिर से किसका बोला कुछ तो गड़बड़ है कुछ तो करना पड़ेगा अभी उसने क्या किया साहब? उसने क्या किया कि यहां से गामा किरणें गई अब उसने क्या किया सैकड़ों गामा किरणें या फिर एक गामा किरण यहां से भेजी सिर्फ एक और जब उसने देखा कि यह गामा किरण साली यहीं से वापस आ गई यहीं से वापस आ गई गड़बड़ है भैया जब उसने इसको नाम दे दिया नाभिक क्योंकि ये इसका ठोस बाग है क्योंकि ये इसका ठोस भाग है अभी ठोस बाग क्यों है वो भी मैं आपको बता दूंगा भाई ठीक है तो यहां से इसने गामा किरणें भेजी ये वापस आ गई इसे इसने नाम दिया नाभिक नाभिक किसने दिया भाई किसने दिया इसने दिया रदरफोर्ड ने ठीक है रदरफोर्ड ने अब ये तो क्या हुआ इसकी तो होगी ज़िंदगी सफल क्योंकि ये तो बन चुका वैज्ञानिक इसने अपने भैया को फ़ोन टिकाया छोटे भाई गोल्ड स्टीन कहाँ हैं बोला भैया क्लास में हूँ आधा जल्दी से मैं वैज्ञानिक बन गया वैज्ञानिक बन गए ठीक है वो भी वैज्ञानिक की तैयारी कर रहा था वो उड़ कर आया वो उड़ कर आया भैया क्या खोजा क्या खोजा उसने दिखाया ये देखो हमने ये खोजा क्या नाभिक अच्छा नाभिक खोजा अब उसका मुँह उतर सा गया और उसने क्या किया उसको नाभिक को बात करता करता उसको कुतर रहा था ऐसे कर रहा था और बात कर रहा था उसे हाँ भैया कैसे किया है? बहुत अच्छा ओहो 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 वेरी 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 गुड वेरी गुड आपने ऐसे किया बहुत बहुत अच्छा तो गामा किरण वापस आ गई अच्छा उसने देखा यार ये क्या है भैया से बात करता गया ये क्या है भैया कुछ मिला है भैया इसके अंदर आपके नाभिकवा में कुछ है क्या है यही खोजा है आपने नहीं नहीं हमने तो सिर्फ नाभिक खोजा है ये तो अलग चीज़ है क्या है अब भैया अब नए तो मैं भी बन चुका हूँ क्योंकि मुझे भी कुछ ना कुछ मिल गया है इसके अंदर मुझे भी कुछ ना कुछ मिले अब आप एक काम कीजिए इसको नाम दे दीजिए बड़े भैया वो आप नाम आप ही दोगे तो उसने नाम दिया उसने उसको नाम दिया साहब न्यूट्रॉन क्या नाम दिया न्यूट्रो सॉरी प्रोटोन का नाम दिया उसने उसको नाम दिया प्रोटोन कि आज से नाभिक में ये चीज़ मिली मेरे छोटे भाई ने खोजी भाई ठीक है गोल्ड स्टिन ने खोजी तो हमने इसको प्रोटोन नाम दे दिया तो प्रोटोन का प्रोटोन की खोज किसने की भाई प्रोटोन की खोज की प्रोटोन की खोज किसने की गोल्ड स्टीन ने गोल्ड स्टीन ने अब जब गोल्ड स्टीन ने प्रोटोन की खोज कर ली साहब तो इसको नाम किसने दिया रदरफोर्ड ने नाम किसने दिया रदरफोर्ड ने ठीक है इसको नाम किसने दिया प्रोटोन को रदरफोर्ड ने इस प्रोटोन के बारे में दो चीज याद रखनी है खोज किसने की और नाम किसने दिया ठीक है तो इस तरह से अब एक और सर फिर आया भैया क्या खोजा भी तुमने बोला भैया ने नाभिकवा खोजा है और हमने प्रोटोन खोजाए अब तुम क्या खोजने वाले हो क्या खोजा अभी क्या मिलेगा इसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा अब तो कुछ नहीं मिलेगा जो खोजना था वो तो खोज लिया उसने कहा कि ठीक है हम भी फिर भी ट्राई करते हैं तो वो फिर से उसको कुतरने लगा नाभिक को कुतरने लगा नाभिक को ठीक है नाभिक को कुतरने लगा जेम्स चेडविक नाम था उसका जेम्स चेडविक वो आया नाभिक को कुतरने लगा यही खोजो अभी तुम मेरे कहा नहीं हमने तो प्रोटोन हुआ खोजे तो ई का है बोले नहीं नहीं ये हमने नहीं खोजा ये अलग चीज है अब वो नाचने लगा हम भी प्र, हम भी बन गए हम भी बन गए हम भी वैज्ञानिक बन गए हम भी वैज्ञानिक बन गए तो उसको वैज्ञानिक बन गया अब उसने क्या किया उसने उसको नाम दिया भाई न्यूट्रॉन उसने उसको नाम दिया न्यूट्रॉन भाई न्यूट्रॉन की खोज किसने की जेम्स चैडविक ने ठीक है किसने की भाई जेम्स चेडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किसने की जेम्स चेडविक ने मजा आ गया साहब मजा आ गया तीन वैज्ञानिक मिल गए एक ही चीज के अंदर अभी एक, अभी एक और बाकी है अभी एक और बाकी है अब इसके अंदर क्या किया एक और लास्ट में आया थॉमसन बाबा आया थॉमसन बाबा आके पूछता है का खोजे वे हम तुम्हारा गुरु है हमने तुमको इतनी शिक्षा दी और तुम हमने हमारे बिना इतनी चीजें खोज ली अच्छा अच्छा क्या खोजे तुम क्या खोजे वे अदर एडरफोर्ड को आ गए तुम क्या खोजे हमने नाभिक खोजा सर इसको पूछता है तुमने क्या खोजा हमने ये प्रोटोन हुआ खोजा तुमने क्या खोजा न्यूट्रॉन हुआ तीनों पोस्टप तुम क्या खोजने वाले हो हां मैं भी कुछ तो मिलेगा भाई हमारा काम है तोड़ना और ढूंढना तो उसने कहा हमें भी तो कुछ मिलेगा तो वो क्या करने लगता है भाई इसको तोड़ने लगता है वापस और वो इसके बाहर अब वो तो क्या है कि इसको ये नहीं पता था कि ये सभी नाभिक केन्द्र मिले प्रोटोन और न्यूट्रॉन नाभिक केन्द्र मिले वो बाहर इसके चारों तरफ जाकर देखने लगा कहाँ है नाट्रॉन कहाँ है प्रोटोन पहले उनको देख लेते हैं फिर उसके बाद देखते हैं कि हमें दूसरी चीज़ का ढूंढनी है तो वो ऐसे देख रहा था चारों तरफ अब वो चारों तरफ देखता देखता इलेक्ट्रॉन उठाता है और उसके पास जाकर लेके जाता है नाभिक प्रोटोन गोल्ड और चेडविक के पास लेके जाता है जे ही है जय ही खोजे हो तुम नाही ये नाही कहां से मिला कुछ नहीं है तुम्हारे नाभिकुआ के चारों तरफ घूम रहा था यही मिला ओहो तुम तुम भी बन गए साहब तुम भी वैज्ञानिक बन गए बोले नहीं हम वैज्ञानिक पहले से थे ठीक है हम वैज्ञानिक पहले से थे हम बने नहीं हम तुम्हारे गुरु है ससुरा तो बोलते कि हम भी वैज्ञानिक बन गए और उसने की बात इसने थॉमसन ने क्या किया थॉमसन ने थॉमसन ने क्या किया थॉमसन ने किया इसकी इलेक्ट्रॉन की खोज ठीक है इलेक्ट्रॉन की खोज की ठीक है साहब इलेक्ट्रॉन की खोज जेम्स चेडविक जेम्स चैडविक किसकी खोज की इसने न्यूट्रॉन की प्रोट्रोन की किसने की गोल्ड स्टिन ने नाभिक की किसने की रदरफोर्ड ने इतनी बात समझ में आएगी ठीक है ये हमारे सिलेबस से वैसे बाहर है ठीक है लेकिन फिर भी चलो कोई दिक्कत नहीं है साहब अब इतनी बातें हमें समझ में आ गई अब नेक्स्ट चीज़ आती है साथियों कि इनका भार कितना होता है अभी भाई इन्होंने खोजा है तो इसके बारे में और भी तो खोजा होगा कि इसका भार कितना होता है ये कैसी इसकी प्रकृति होती है सब कुछ इसने खोजा है